गाइस वेलकम टू माय चैनल बंदा के ब्लॉग से। और आज हम बना रहे हैं कचौरी। ये देखो मैंने इतनी कचौरी बना ली है और इतनी मैं तल रही हूँ। देखो हमारी कचौरी कितनी मस्त फूल रही है। बढ़िया ये देखिए सारी कचौरियाँ फूल रही है। अभी इतनी कर चुकी हूँ मैं 5 कचौरियाँ। ये देखिए सारी आपके सामने ही फूल रही है। ये इसने तो मुंह भी फाड़ दिया है। इतनी मस्त फूल रही है। आगे स्टेज करने से मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया है। देखिए ये कचौरी पूरी फूल चुकी है और अब फैल रही है, फूल रही है। क्योंकि देखिए जितनी भी धीमी आंच में बनाऊंगी ना उतनी खस्ता और अच्छी बनेगी। यदि जैसे मैं फुल गैस कर दूंगी ना तो, और हमको क्या करना है कचौरी बनाने या समोसा बनाने, इन चीज़ों में क्या करते हैं, ठंडे तेल में डालेंगे तो उतना अच्छे से फूलेगी वो, और एकदम गर्म तेल में डालेंगे तो मैदा को जलते देर नहीं लगती और वो देखो इस टाइप से हो जाता है। तेज जितने धीमी गैस में बनाएंगे ना उतना अच्छा बनेगा। देखिए आज उत्तरायण थी तो हमने सोचा क्या बनाए, हमने कचौरी का ही प्लान बना लेते हैं। बहुत टाइम से कचौरी खाई नहीं थी और खास तो MP की कचौरी और समोसा की हमको बहुत याद आती है। थैंक यू गाइस, आपको खाना है तो प्लीज मेरी कचौरी खाने के लिए आइए। तो कमेंट्स में लिखिए कि मेरी कचौरी कैसी बनी, और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज। Thank you.